नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन लोगों को सबसे ज़्यादा दिल के दौरे पड़ते हैं, हार्ट अटैक किन लोगों के अंदर ज़्यादा होता है। 6-7 पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको ऐसे बताऊँगा जिससे कन्फर्म हो जाता है कि इन पेशेंटों के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है कि इनको हार्ट अटैक हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आता है मोटापा, जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जिनको ओबेसिटी है, BMI उनका जो है 25 से ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों में ज़्यादा देखा गया है कि उनके अंदर चांसेस होते हैं कि उनको हार्ट अटैक हो जाता है आने वाले समय में, क्योंकि मोटापे के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जिनमें से हाइपरटेंशन हो जाती है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, उनको डायबिटीज़ हो जाती है, धीरे धीरे करके उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहला पॉइंट मोटापा है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों इसमें उम्र, बढ़ती उम्र। बढ़ती उम्र में क्या होता है कि पेशेंट की एज 35-40 साल के जैसे पहुँचती है, तो पेशेंट जो है अपना सेम रूटीन वही रखता है जो उसका जवानी में चल रहा था। 15-25 साल की एज में, 30 साल की जो एज में उसका रूटीन चल रहा था, उसको वही रखता है, उसको वह चेंज नहीं करना चाहता, चेंज नहीं करता है। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनका शरीर अब जो है उतना स्ट्रेंथफुल नहीं रहता है और जो उनका हार्ट धीरे धीरे करके वीक होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों के अंदर भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको आने वाले समय में हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। थर्ड फैक्टर आता है दोस्तों इसमें जेनेटिकली फैक्टर। जेनेटिकली फैक्टर में अगर फैमिली चैन में चली आ रही है हार्ट अटैक की हिस्ट्री, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेशेंट को या बंदे को जो है हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं, हार्ट अटैक उसको आने वाले समय में हो सकता है। तो ऐसे लोगों को अपना खास ध्यान रखना होता है जिनको जेनेटिकली हिस्ट्री भी हो रही है। और तीन बीमारियाँ खास करके जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ऐसे लोगों के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं, 20-30% चांसेस बढ़ जाते हैं, 22-30% चांसेस बढ़ जाते हैं कि ऐसे लोगों को हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ सकता है। अगली कंडीशन आती है दोस्तों इसमें, अगर आप ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, आप ज़्यादा शराब पीते हैं और आपकी फैमिली हिस्ट्री में भी इस तरह की समस्याएँ हैं, तो आपके सामने भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और मेज़र और सबसे जो मेन चीज़ मैं आपको इसमें बोल सकता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ बोल सकता हूँ, वो होती है स्ट्रेस। अगर आप चिंता में, तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, छोटी छोटी बातें आपके माइंड से नहीं निकलती हैं, धीरे धीरे करके आप अपनी बीमारी को सप्रेस कर रहे हैं, खास करके जो इमोशंस हैं, जो आपके इमोशंस हैं अंदर को आप जो है उनको सप्रेस कर रहे हैं, चाहे वह अच्छे इमोशंस हैं या फिर जो है बैड इमोशंस हैं, आप उनको अंदर सप्रेस कर रहे हैं, धीरे धीरे करके उनको आप अपने अंदर इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे लोग ज़्यादा हार्ट अटैक के शिकार होते हैं। तो मज़े से रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, हमेशा दिल खोल के रहना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि हमेशा सभी को खुश रहना चाहिए, दिल खोल के रहना चाहिए। हार्ट अटैक उन्हीं लोगों के अंदर ज़्यादा मिलता है जो इंट्रोवर्टेड टाइप के होते हैं, मैक्सिमम देखा गया है, क्योंकि उनके इमोशंस जो हैं अंदर रहते हैं, वे किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो बाकी फिज़िकली है और एक मेंटली मैंने आपको इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी है, जो कि आपको कोई भी डॉक्टर नहीं बताएगा। तो दोस्तों आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और आप इस बीमारी से बच के रह सकते हैं, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होती हैं। तो मिलता हूँ कल किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।